आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा टॉर्क निकालना है बेसिकली हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे फाइंड एन एक्सप्रेशन यानी व्यंजक निकाले फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर फॉर के मतलब के लिए किसके लिए तो टॉर्क एक्टिंग टॉर्क कार्य करता है ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव पर जो टॉर्क कार्य करता है उसके लिए व्यंजक निकालना है प्ले रखा गया है कहाँ पर तो इन एक्सटर्नल इन एक्सटर्नल बाह्य विद्युत तो, क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फील्ड में इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बाह्य एक समान विद्युत क्षेत्र में जब प्लेस्ट रखा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर तो उस पर लगने वाला टॉर्क के लिए क्या निकालना है व्यंजक यानी फाइंड एन एक्सप्रेशन व्यंजक निकाले फॉर के मतलब के लिए टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव दू -दू पर लगने वाला टॉर्क को प्लेस्ड रखा गया है इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है आइए इसको समझ लेते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल लेना है तो सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन चीज़ से से डिनोट करेंगे ई यूनिफॉर्म है एक समान है उसके बाद क्या करेंगे कि पर एक रखेंगे तो रख लिए डाइपोल में हम लोग जैसा जानते हैं दो चार्ज होता है दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूट बराबर होता है बट अपोजिट नेचर होता है कहने का मतलब यह है कि एक धनात्मक होगा तो दूसरा क्या होगा ऋणात्मक एक पॉजिटिव चार्ज तो एक निगेटिव चार्ज तो यहाँ पर लेते हैं प्लस क्यू तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड एवं डाइपोल के बीच का एंगल को कितना लेट कर लेते हैं ठिट्टा तो यह एंगल कितना मान लेते हैं ठिट्टा इलेक्ट्रिक डाइपोल के यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो होगा निगेटिव से पॉजिटिव होता है और डाइपोल का टोटल लेंथ कितना लेना था तो एल प्लस एल बराबर या टूए टुवे, ट्वेल्व या टू ए यहाँ पर चार्ज क्यू है अब बात करते हैं इस पर फोर्स के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर फोर्स नेट लगता कितना है तो नेट फोर्स का बात करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है आप सुने हुईगा या हम बताए थे तो देख देखे थे आप लोग इसे प्रीवियस वीडियो में कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को रखा जाता है तब प्लस चार्ज पर जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो इधर फोर्स लगेगा तो यह फोर्स का वैल्यू कितना होगा तो जैसा कि हम लोग एक रिलेशन पढ़े थे एप बराबर क्यू ई -E, एप बराबर क्यू ई -E, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से देख लेते हैं इसको फोर्स बराबर क्या होता है क्यू ई -E, यानी फोर्स इंटू इलेक्ट फोर्स बराबर होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है निगेटिव चार्ज को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप ये सोचिएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह है जैसे यहाँ पर यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इस पूरा में रीजन में मान लिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज पर जो होगा वह फोर्स लगेगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ भी फोर्स का वैल्यू ए बराबर क्यू ही होगा क्योंकि अब यहाँ पर देखने की बात है कि यहाँ पर

फोर्स या नेट फोर्स बराबर हम लोग बोल सकते हैं एफ नेट बराबर कितना बोल सकते हैं तो जीरो क्योंकि जितना राइट वाइट फोर्स काम कर रहा है उतना ही लेफ्ट वार्ड भी फोर्स काम कर रहा है यानी इस प्रकार से तो एफ टोटल एक रिलेशन आप लोग को ये भी मा, मालूम होगा कि कि फोर्स बराबर जो होता है मास इंट एक्सीलेशन फोर्स बराबर क्या आता है मास इंट एक्सीलेशन सो एक्सीन बराबर कितना हो जाएगा तब फोर्स बाई मास फोर्स बाय मास जब ही यहाँ से डालेंगे तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा तो एप का वैल्यू डालेंगे जीरो मास का समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज डिवाइडेड बाई समथिंग बिकम्स जीरो यानी यह जीरो हो जाएगा अब जब जीरो होगा इसके बाद अब देख लेते हैं कि यहाँ ए बराबर भी कितना आ गया जीरो तो यह ट्रांसलेशनल टोटल फोर्स बराबर जीरो और जीरोलेशन बराबर जीरो दैट इज बोल सकते हैं कि यह डाइपोल जो है ट्रांसलेशनल इक्विबेरियम में है ट्रांसलेशनल इक्विबेरियम ट्रांसलेशनल के मतलब स्थान थ्री नहीं इधर घुसुक रहा है न उधर घुसुक रहा है सिर्फ इन नच रहा है तो नचने वाला पैरामीटर क्या होता है तो वह होता है टॉर्क कौन सी होता है टॉर्क तब वही हम लोग को इस वीडियो में देखना है टॉर्क के बारे में और टॉर्क हम लोग को कैलकुलेट करना है तो आइए टॉर्क के बारे में टॉर्क होता क्या है इसके बारे में आप पहले से ही जान चुके होइएगा अगर नहीं जानते होइएगा तो हम फिर से थोड़ा एक एग्जाम्पल देते जैसे मान लेते हैं कोई ढक्कन लगा हुआ बोतल का तो उसको खोलेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे सीधे घिंचेंगे तो खुलेगा नहीं उसको नचाना पड़ेगा तब नचाने का जो इफेक्ट होता है वही कौन सी कहलाता है टॉर्क यानी रोटेट करने का इफेक्ट ही कौन सी कहलाता है टॉर्क जैसे कि फोर्स घुसका सकता है तो वहां भी फोर्स लगता है वहां भी फोर्स लगता है बट टॉर्क क्या करता है नचाता है जैसे इसको खोलना तो ऐसे नचाएंगे तभी खुलेगा नहीं तो खुलेगा नहीं खुलेगा ढक ढक्कन है वहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं खींच के खोल सकते हैं बट यहाँ पर कोई भी नॉट बोल्ट या कलम या पेन बोले पेन का भी अगर जो ऊपर का कवर खोलना है तो खींच के खोल सकते हैं बट रिफिल जब निकालना है तो क्या निकाल सकते हैं नहीं नहीं निकाल सकते हैं तो अब उसी के प्रकार से टर्क देखा जाता है इसको भी ऐसे नचारा है फोर्स देखिए या ऐसे रहा है कैसे तो सर यहाँ पर अगर कि होता इतना बड़ा डंटा या मार्कर है जब इधर इस छोर को इधर खींचेंगे इस छोर को तो जरूर है कि यह इधर नचाना चाहेगा ऐसे नचेगा तो नचाने की कोशिश कर रहा था इसको टॉर्क बोलते हैं टॉर्क का सिंबल है वह टॉ से रिलेट होता है टॉ लिखिएगा कैसे तस् तो लिख के ऊपर से बार लगा दीजिएगा या सिंपली हिंदी का आधा च लिखिएगा फिर भी लिखा जाएगा ऐसे इन... हम लोग बोल सकते हैं यह टॉ सिंबल है ऐसे आप लोग इस सिंबल के बारे में पढ़े हुईएगा नहीं पढ़े हुईएगा तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा सिंबल है टॉक को और टॉ से यहाँ पर डिनोट करते हैं टॉर्क को टॉ से डिनोट करते हैं टॉर्क को सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ट तो यहाँ पर इधर फोर्स लगा इसके कारण इधर टॉ होगा यहाँ पर नच रहा है ऐसे तो यहाँ पर टॉर्क इधर होगा तो यहाँ पर टॉर्क इस डायरेक्शन में होगा तो इसको हम लोग मान लेते हैं टॉ तो टू अब टोटल टॉ टो की चर्चा किया जाए यहाँ पर टॉ वन तो माने, तो माने तो यहाँ पर टॉ टू माने टोटल टॉ दोनों अपोज कर रहा है कि सपोर्ट कर रहा था दोनों नचाना चाह रहा है सेम डायरेक्शन में इसलिए टॉ टोटल टॉर्क बराबर जो हो जाएगा टोटल टॉर्क बराबर टोटल टॉर्क इक्वल टू जो हो जाएगा वह टॉ इक्वल टू क्या जाएगा तब टॉ प्लस टॉ टू टॉ टू टॉ टोटल टॉर्क बराबर टॉ प्लस टॉ टू अब यहाँ पर चर्चा कर लिया जाए कि टॉर्क इक्वल टू फार्मूला कितना होता है तो इलेवेंथ में आप लोग पढ़े थे टॉर्क बराबर जो होता है वह होता है आर एफ साइन थीटा यानी पर हम लोग स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं तो टॉ बराबर क्या होता है आर एफ साइन थी सिंपली अब इसको चर्चा कर लिया जाए तो टॉर्क बराबर आर एफ साइन थीठा होता है तो टर्क बराबर क्या होता है आर एफ साइन थीठा तो यहाँ पर अब टॉ के बराबर क्या लिख सकते हैं तो टॉ वन के जगह पर आर वन एफ वन इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं टॉ टू के जगह पर कितना लिख सकते हैं आर टू एफ टू इंटू साइन ठीक वैल्यू डाल दिया जाए तो सर यहाँ पर टॉवन का वैल्यू टॉवन का वैल्यू डालना है तो टॉवन में यहाँ पर है टॉवन में हम लोग देखेंगे आर वन तो सेंटर से दूरी लेना रहता है तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना है एल यहाँ से यहाँ दूरी कितना है तो एल है यह दूरी एल ले, ले लेंगे उसके बाद यहाँ का फोर्स कितना है तो क्यू यानी आर वन का वैल्यू एल है एफ वन का वैल्यू क्यू है यहाँ डाल देते हैं टॉर्क बराबर क्या डालना है तो आर वन का वैल्यू एल देखे हैं एफ वन का वैल्यू कितना देखे हैं तो क्यू ई क्यू ई देखे हैं देख लीजिए यहाँ पर आर वन लेंथ रेडियस वन है इसका फोर्स का वैल्यू कितना है तो क्यू ई उसके बाद हम लोग को डालना है साइन थीटा आर वन का वैल्यू डाल दिए एफ वन का डाल दिए अब साइन तो साइन का साइन छोड़ दें और ठिट्टा का वैल्यू कितना होगा तो ठिट्टा दोनों के बीच के तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन जो होता है माइनस चार से प्लस की ओर तो इसका डायरेक्शन इधर का रही है यहाँ पर सेंटर है इस जगह डायरेक्शन इस दिशा में तो यह एंगल कितना है ठिट्टा तो यह ठिट्टा ले लेंगे तो साइन ठिट्टा प्लस आर टू एफ टू साइन टिटा तो आर टू एफ टू साइन टिटा यानी टॉ टू के जगह पर आ टॉ टू फिगर में देखिए तो यहाँ पर नजर आ रहा है यहाँ पर सेंटर है सेंटर से यहाँ तक यहाँ दूरी है यह कितना है एल है इस दूरी को कितना मानेंगे आर वन यहाँ का फोर्स का चर्चा करें तो f बराबर क्यू ई है f बराबर क्यू ई है उसके बाद टॉ टू इधर कार्य कर रहा है तो टॉ टू में यहाँ की लेंथ लेंगे और यहाँ का फोर्स लेंगे तो टॉट टू बराबर कितना हो जाएगा तो आर टू आर टू का वैल्यू भी कितना है एल है एफ का वैल्यू कितना है तो एफ का वैल्यू एफ टू का वैल्यू भी क्यू ई है तो क्यू ई उसके बाद हम बात करते हैं थीटा की कहा कि थीटा की जरूरत पड़ेगा साइन थीटा साइन थीटा तो साइन डाल दिए और थीटा की बात करेंगे तो थीटा कितना ले सकते हैं तो यहाँ से यहाँ तक एंगल देखेंगे यह एंगल थीटा तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा सो यहाँ भी साइन थीटा हो जाएगा देखिएगा ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है एल क्यू ई साइन ठीठा एल क्यू ई साइन ठीठा दोनों को सम कर देंगे जोड़ देंगे तो हम लोग का नेट जो मिलेगा वह देख लेते हैं वह कितना हो जाएगा टॉर्क बराबर आइए देख लेते हैं यह एल क्यू साइन ठीटा एल क्यू तो एक एक कै गो होगा दो गो टू एल क्यू ई टू एल क्यू साइन ठीटा अब यहां पर एक नया टर्म डालेंगे टॉर्क बराबर ट्वेल्व के जगह ट्वेल्व क्यू के जगह पर क्या डाल सकते हैं तो पी इंटू साइन ठीठा अब कहिएगा सर पी किसके बदले लिखे है वेयर वेयर कहने का मतलब जहां इसके बारे में आप लोग जानते होइएगा इस प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जो कि इस वीडियो जो जहां पर मिलेगा उस प्ले लिस्ट में जाइएगा चैनल का तो वहां पर मिल जाएगा आपको डाइपोल मोमेंट के बारे में सबसे पहले यहाँ पर पी पी किसके बदले देखे हैं टू एल क्यू के इसको कहते क्या है तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत विद्रूप आघूर्ण इसको पी से डिनोट करते हैं इसका वैल्यू होता है ट्वेल्व क्यू सो यहाँ पर देख सकते हैं

ई साइन ठीठा है ई साइन ठीठा है तब पी किसके जगह पर काम कर रहा है ए के जगह पर ई e किसके जगह पर काम कर रहा है बी के जगह पर और ठीटा दोनों के बीच का एंगल है सो so, हम लोग टॉर्क बराबर बोल सकते हैं पी क्रॉस ई पी क्रॉस ई यहाँ पर तो कोई पूछ देगा वेक्टर फॉर्म में टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा तब पी क्रॉस ई पी क्रॉस ई फॉर्म में टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा तब पी क्रॉस ई बोल सकते हैं और स्केलर फॉर्म में टर्क पी फॉर्मेट थीटा अब आइए थोड़ा डिस्कशन कर ले डिस्कशन जब भी करेंगे हम लोग तो डिस्कशन जब भी करेंगे यानी किसी भी वीडियो में अगर हम डिस्कशन की चर्चा करते हैं इसका मतलब समझ जाइएगा हम लोग तीन एंगल पर बेस कर ली हम लोग चर्चा करेंगे जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री जीरो डिग्री नाइन्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री तो सबसे पहला डिस्कशन नंबर वन में हम लोग देख सकते हैं इफ थीटा बराबर जीरो डिग्री व एन वन एट्टी हो देन देन कहने का मतलब तो तब हम लोग देख रहे हैं थीटा बराबर कितना लिया जीरो डिग्री या वन एट्टी डिग्री देन देन कहने का मतलब तो इसमें वैल्यू डालेंगे तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा तब पी ई साइन जीरो डिग्री या वन एट्टी डिग्री जीरो डिग्री या वन एट्टी डिग्री तो सबसे पहले जीरो डिग्री डालेंगे तो साइन जीरो भी जीरो होता है वन एट्टी डालते तो वन एट्टी साइन वन एट्टी भी जीरो होता है सो टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा जीरो डालेंगे और जीरो से कोई भी चीज़ में मल्टीप्लाई करें तो वो भी जीरो हो जाएगा सिर्फ टॉर्क बराबर जीरो यह टॉर्क का मिनिमम वैल्यू होता है और टॉर्क जब ये मिन, जब ही मिनिमम मिलता है इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं यह रोटेशनल जो होगा रोटेशनल इक्विबेरियम होगा यह कौन चीज़ का सिचुएशन देता है रोटेशनल इक्विबेरियम रोटेशनल रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का केस है रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब घूर्णी घूर्णि सम्यावस्था में है घूर्णी समावस्था घूर्णी सम्यावस्था में है अब बात करते हैं डिस्कशन नंबर टू डिस्कशन नंबर टू में इफ थीटा बराबर हम लोग ले 90 डिग्री थीटा बराबर 90 डिग्री देन देन करने का मतलब तो इस पर चर्चा करेंगे थीटा का वैल्यू जी हुई 90 लेंगे तो हम लोग को क्या मिलता है थीटा का वैल्यू 90 लेने के बाद हम लोग को मिल जाएगा टर्क बराबर पी ई साइन 90 साइन 90 वैल्यू कितना होता है सर थीटा के जगह पर कितना डालेंगे 90 तो साइन 90 वैल्यू वन हो जाता है सो टर्क बराबर पी ई यह क्या कि साइन नाइनटी वन होता है वन से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता यानी पी आ जाएगा या इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपसे इसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है उस पर हम थोड़ा चर्चा कर ले कोई पूछ दे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा है कोई भी एंगल पर रखा है चाहे डाइपोल ऐसे रखा हो ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो या ऐसे रखा हो कोई भी एंगल पर हो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा तो जीरो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल डाला जाए तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा सुनने इतना जरूर याद रखिएगा उसके बाद आपको पूछ तो तो है और टॉर्क तो भी जीरो होगा हो इतना ध्यान रखिएगा दूसरा टॉर्क मैक्सिमम कब होगा तो यह ठिट्टा का वैल्यू नाइन्टी डिग्री यानी इस स्थिति में होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा टॉर्क मिनिमम कब होगा तो इस, इस डायरेक्शन में हो तब देखिएगा यहाँ पर इक्विलिब्रियम का केस है क्या कि अब तो नचाने की कोशिश नहीं करेगा इक्विलिब्रियम भी दो टाइप का एक स्टेबल एक नॉन स्टेबल तो जीरो डिग्री होगा जैसे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर चलाया तो अब इधर खींचेगा इधर खींचेगा तो इसको हिला देने के बाद भी ये आ जाएगा तो यह स्टेबल इक्विलिब्रियम है अगर इसको ऐसे करके पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ कर दिया जाए तो वह अन स्टेबल होगा बट इक्विलिब्रियम में होगा अब इसमें टॉर्क मैक्सिमम कब आएगा तो वैल्यू नाइनटी डिग्री है और टॉर्क मिनिमम कब होगा तो जीरो डिग्री या एक सौ अस्सी डिग्री ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि टॉर्क मैक्सिमम के लिए डाइपोल को कितना डिग्री कौन पर रखा जाए नाइन्टी डिग्री पर ऐसे भी पूछ सकता है कि थीटा का वैल्यू नाइन्टी डिग्री अगर टॉर्क मिनिमम होगा कि मैक्सिमम तो मैक्सिमम होगा टॉर्क बराबर होता कितना है तब पीई साइन थीटा टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा टॉर्क 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 को डिनोट करने के लिए जाता है से इलेक्ट्रिक मोमेंट e से इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच e का एंगल आइए एक नुमिरकल देख लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है एट कुलम, कुलम मीटर यानी डाइपोल मोमेंट एट कुलम मीटर और इसको रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है वह दिया हुआ है छ न्यूटन पर कुलम छः न्यूटन पर कुलम उसके बाद इसको एंगल जो है एंग लाइन किया गया है ठिट्टा बराबर दिया हुआ है थर्टी डिग्री तो इसको डालेंगे तो टॉ बराबर क्या होता है पी ई साइन ठिट्टा पी ई साइन ठिट्टा इसमें वैल्यू डाल दिया जाए तब पी का वैल्यू कितना लेंगे तब पी का वैल्यू एट है ई का वैल्यू कितना है सिक्स साइन कितना डिग्री तो साइन थर्ट्टी डिग्री सॉरी साइन थर्टी डिग्री है तो हम लोग गुना करेंगे इसको तो आठ से छः को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा फोर्टी एट एन टू साइन थर्टी वन बाई टू टू से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेंटी फोर इसका यूनिट देखेंगे देखेंगे तो कुलम से कुलम कट जाएगा उसके बाद न्यूटन मीटर बच जाएगा तो न्यूटन मीटर या इसी को बोल सकते हैं जूल इस वीडियो में इतना ही रहने दें आगे देखेंगे